हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पे हैं और यहाँ क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, देन देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 3ABC। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन को। दिया हुआ है 3x माइनस का 2y का क्यूब और 2y माइनस 4z का होल क्यूब और प्लस में 4z माइनस 3x का होल क्यूब। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 3x, ये इसका सम जीरो हो रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का क्यूब प्लस 4z माइनस 3x का जो क्यूब होगा यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 इंटू में 3x माइनस 2y इंटू में 2y माइनस का 4z और फिर इंटू में हो जाएगा 4z माइनस का 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए।